एक बार फिर से स्वागत है चहल द एक्सप्लोर में, और आज है फिर से विपिन भाई के साथ, और आज कुछ स्पेशल चीज़ दिखाने वाले हैं। अभी चलो विपिन भाई के ऊपर छोड़ते हैं, क्या दिखा रहे हैं आज अपने दोस्तों? सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा अपने व्यूअर का चैनल पे, और सुनी भाई आज अभी हम जा रहे हैं दिल्ली टू चंडीगढ़ हाईवे। जस्ट अभी हमने टोल टैक्स क्रॉस किया डेराबसी से, पहले टोल टैक्स आता है। अभी अपना एक नया कमर्शियल लॉन्च हुआ है, परी लॉन्च जिसको बोलते हैं हम, जो भी लोग अपना कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, तो आज हम उसके बारे में बताएंगे। जो अपना कमर्शियल है SBP ग्रुप का कमर्शियल आ रहा है यहाँ पे, जिसके अंदर आपको 3-screen PVR मिल रही है, एंड जो ये प्रोजेक्ट है ये 100% लीज के साथ आ रहा है। अगर मैं लीज के बारे में बताऊं तो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अपना कोई जो बाहर से इन्वेस्टर हैं, जैसे कोई दिल्ली से है, हरियाणा पंजाब से हैं, जो ऐसे 100-200 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो कमर्शियल ले लेते हैं। कमर्शियल के पोजीशन तक तो रिटर्न हर कंपनी देती है। फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ का शोरूम लिया, 1 लाख रुपये आपको पोजीशन तक मिल जाते हैं, फिर आपको चाबी मिल गई। अब उसके बाद आप यहाँ पर अपने लिए टेनेंट कहाँ से ढूंढोगे? अब जो बंदा दिल्ली बैठा हो तो टेनेंट ढूंढ ही नहीं आ सकता ना। लेकिन यहाँ पर हम जो है बाद में भी जो लीज है आपकी, पोजीशन के बाद भी लीज राइट कंपनी के पास ही रहेंगे, मैनेजमेंट कंपनी के पास रहेगा, उसका एक अच्छा बेनिफिट हो जाता है। अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो अपने चंडीगढ़ के अंदर इलांटे मॉल है, इलांटे के पास एक सेंट्रा मॉल है, सेंट्रा मॉल की लोकेशन इलांटे से फार बेटर है, सेंट्रा निचला इलांटे बहुत अच्छा चल रहा है। उसका रीजन ये कि उनके पास लीज राइट उनके पास है, आपका शोरूम है, आपके शोरूम में कौन से ब्रांड को लेके आना है, कौन से को बाहर करना है, वो इलांटे डिसाइड करता है। वहाँ पे ये नहीं कि आपका शोरूम है मुझे वहाँ पे कुछ काम करना है, आपने चाबी मुझे दे दी, पॉसिबल नहीं है। लीज राइट उनके पास है, वो डिसाइड करते हैं किसको लेके आना है किसको नहीं लेके आना है। सेम हम भी ऐसे रखेंगे, रजिस्ट्री आपकी रहेगी, मालिकाना हक आपका है, आप जब चाहे बेच सकते हैं, बट आप अपनी मर्जी से किसी को किराए पर नहीं दे सकते हो। लेकिन आप इसका श्योरिटी दोगे कि रेंट पे चढ़े? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम मैनेजमेंट अपने पास रख रहे हैं, देखो सबसे ईजी है, आप पोजिशन तक 1% रिटर्न दो, 12% की, 6% की, 12% की, जो भी बिल्डर अपने अकॉर्डिंग देता है, कमर्शियल बेच दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अभी तक हमारा SBP का 24+ प्रोजेक्ट हम डिलीवर कर चुके हैं, और कमर्शियल के अंदर हम पहला बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। एक टाइप से मॉल कॉन्सेप्ट है, बट ये ओपन टू स्काई मार्केट है, कॉम्प्लेक्स है। हमारा मैनेजमेंट अपने पास रखने का रीज़न एक ही है कि हम इस कमर्शियल को सक्सेस करना चाहते हैं, नहीं तो अपना पोजिशन देके चाबी आपको दे देते, बाद में अपने हिसाब से किराए चढ़ाते रहते आप। तो हम 100% लीज कंपनी अपने पास रख रही है, इसके अंदर सारे ब्रांड्स आएंगे, कोई भी लोकल शोरूम शॉप ओपन नहीं होगी, 3-screen PVR आ रहा है यहाँ पे, और अपना एक 5-star प्रॉपर्टी की होटल की आ रही है जिसमें 80+ रूम्स रहेंगे, ठीक है। अब वो भी किसी अच्छे ब्रांड के साथ हम टाई अप करेंगे होटल का भी, 2 इसमें ड्राइव थ्रू आ रहे हैं, और बाकी अपने कुछ ब्रांड है जो यहाँ पे अभी तक डिसाइड हो चुके हैं, बड़े ब्रांड्स हैं वो, जब आप कोई भी कस्टमर जिनको इंटरेस्टेड है वो आना चाहें तो तब हम उनको बता देंगे कौन कौन से ब्रांड अपने पास यहाँ पर आ चुके हैं। मैं अभी क्योंकि पहले इसके बारे में नहीं बता सकता, बट इन्वेस्टमेंट ऐसे है कि इसके अंदर अपने पास इन्वेस्टमेंट जो 22.5 लाख से स्टार्ट है। कॉल करके तो पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 22.5 लाख के ऊपर आपको 22.5 हज़ार की रिटर्न आती रहेगी पर मंथ, ठीक है। उसके बाद अपने जो मैक्सिमम है वो यहाँ पे कम जो साइज है इसका वो 15x70 का साइज रहेगा, मैक्सिमम आपका यहाँ पे 1.5 करोड़, 2 करोड़, 8-10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जो स्टार्टिंग है वो अपनी 22.5 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है, बजट के अकॉर्डिंग आप इसमें अप्रोच कर सकते हैं। एक बार हम आपको लोकेशन दिखा देते हैं, थोड़ा सा एक बार आगे दिखा देते हैं हम कहाँ पहुँच गए हैं। अभी हम उतर रहे हैं डेराबसी का जो फ्लाईओवर है उसे टुवर्ड जीरकपुर की साइड हम उतर रहे हैं, तो ये अपनी लोकेशन रहेगी यहाँ पे, जो अपने लेफ्ट साइड में जो जगह दिख रही है, यहाँ पे आने वाला है SBP का मॉल। विंडो डाउन करें, ये अपनी लोकेशन रहेगी, एक बार उतर के दिखा देते हैं हम। कमर्शियल लोकेशन रहेगी, टोटल 11 एकड़ की लैंड है जो बिल्कुल हार्ट ऑफ सिटी है। अभी तक जैसे हम बात करें एयरपोर्ट रोड और जीरकपुर के अंदर काफ़ी कमर्शियल है, हर 300 मीटर के ऊपर एक आपको कमर्शियल मिल जाता है, बट डेराबसी के अंदर अभी तक कोई भी कमर्शियल मार्केट नहीं है, एक प्लांट मार्केट कोई भी नहीं है। यहाँ पर आपको पार्किंग मिलेगी, ओपन पार्किंग है, प्लस बेसमेंट 1 बेसमेंट 2 इसमें रहेगा आपको पार्किंग के लिए। ये आपका आसपास का बरवाला लालडू तक का एरिया कवर करेगा। अगर हम बात करें जीरकपुर से निकलने के बाद डीकैथलॉन से अम्बाला तक कोई भी रास्ते में कमर्शियल या मॉल नहीं आता है। यहाँ पे अपना सारे के सारे प्लांट मार्केट आ रही है एम्पल पार्किंग के साथ में, जैसे मैंने पहले बता दिया सारे 100% यहाँ पे ब्रांड आएंगे लीजिंग के साथ। 22.5 लाख से इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है, प्री लॉन्च में अभी हम दे रहे हैं, तो जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने प्री लॉन्च बेनिफिट उठा सकते हैं। बाकी मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो जैसे हम चंडीगढ़ की साइड आते हैं दिल्ली से, तो डेराबसी की फ्लाइट जैसे ख़त्म होगा तो ख़त्म होते लेफ्ट साइड में कमर्शियल की एंट्री रहेगी। ये दिल्ली से आ रहा है, इधर चंडीगढ़ है, तो
तो जैसे हम चंदेड़ी की साइड फ्लायर से उतरते हैं लेफ्ट साइड के अंदर कमर्शियल रहेगा। बाकी इसके अंदर एंटरटेनमेंट का मैंने बता दिया, पीवीआर आ रहा है, होटल आ रहा है, बाकी यहाँ पे गेमिंग जोन आ रहे हैं बच्चों के लिए, बाकी सारे जो ब्रांड्स रहते हैं मॉल के अंदर आपने देखा है वो सब आएंगे। तो विपिन भाई एक बार और चलते चलते ना अगर ये बता दिया जाए कि जो इन्वेस्टर हैं उनको कितना बेनिफिट होगा, आप थोड़ा साफ शब्दों में बताएंगे। सुनी भाई, जैसे भी जो परिलो जो प्रोजेक्ट आते हैं फिक्स रेट के ऊपर आते हैं, जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 22.5 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है जस्ट, और 22.5 लाख के ऊपर आपको 22.5 हज़ार रुपये रेंट कंपनी से आता रहेगा। आप रेजिडेंशियल के अंदर जाते हैं, आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं उसमें 22 से 25 हज़ार रुपये रेंट मैक्सिमम आता है। बाकी मैं लोकेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपका बरवाला से लेकर आगे लालोडू तक और डेराबसी ये जो एरिया पूरा कमर्शियल कवर करेगा, ऑलमोस्ट 3 से लेकर 4 लाख पॉपुलेशन इसके ऊपर है जो है यहाँ पे गैदरिंग है आसपास में। और इस एरिया के अंदर सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं इस कमर्शियल का, क्योंकि पहला यहाँ पे एक प्लांट मार्केट आ रही है। अभी तक यहाँ पे हम बात करें तो कोई भी कमर्शियल है नहीं, जो लोग इस एरिया को जानते हैं डेराबसी में अभी तक कोई भी प्लांट मार्केट नहीं है ना आसपास के, आपका बरवाला है लालडू के अंदर है। ये लोग आज भी जीरकपुर या चंडीगढ़ जाते हैं, और कमर्शियल के अंदर ये रहता है कि आपको जैसे मैं आज के टाइम जीरकपुर रहता हूँ और शायद मेरे लांटे गए मुझे 1 से 1.5 साल हो गए, तो नियर बाई जो भी रहता है उसको अप्रोच करते हैं। तो जब ये यहाँ पे लोगों को ये फैसिलिटी मिल जाएगी तो उनको जीरकपुर या चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सबसे अच्छा इसके अंदर ये हो रहा है कि आज के टाइम जो डेराबसी जीरकपुर का डिस्टेंस है वो भी दोनों फ्लाईओवर बनने के बाद काफ़ी हद तक कम हो जाएगा जो टाइम रहता है। तो आने वाला टाइम जो है, आज के टाइम आप देख रहे हैं जैसे कि जीरकपुर के अंदर 15 से 18 करोड़ एकड़ का रेट हो गया है। अभी मोस्टली बिल्डर जैसे हम जाते हुए देख रहे थे कि यहाँ पे अब बरवाला रोड, इसके अम्बाला रोड के ऊपर जैसे हम डेराबसी क्रॉस करते हैं काफ़ी कमर्शियल आ चुके हैं, तो बिल्डर खुद इधर मूव कर रहे हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट आ रहे हैं इधर। आने वाला टाइम डेराबसी का है। बाकी आप लोकेशन देख रहे हैं, बैंगोन हाईवे है जीरकपुर के अंदर। आज भी हम बात करें अपना एयरपोर्ट रोड प्लस अगर पूरे जीरकपुर टोटल मिलाएं तो 100+ कमर्शियल आज के टाइम वहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे पहला कमर्शियल आ रहा है, और SBB मैनेजमेंट अपने पास रख रहा है। पहली बार हम कमर्शियल एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो इसको सक्सेस करने के लिए मैनेजमेंट अपने पास रख रहे हैं। बाकी कोई भी आपकी इंक्वायरी हो आप कॉल कर सकते हैं, मैं नंबर शेयर कर देता हूँ अपना 7087037053। आप कभी किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और आके मिल सकते हैं। होपफुली दोस्तों आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी भी भाई का कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकता है, और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से विपिन भाई के पास कॉल कर सकते हैं। डन। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद। और हाउसिंग पार्क की बहुत सारी वीडियो आप देख चुके हैं तो अपने चैनल पे जाके एक बार चेक जरूर करें।